हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू मेरे अंदर वीडियो। और जैसा कि आज मंडे है तो बेसिकली मैं मंडे को पूल वर्कआउट करता हूँ, जैसे डेडलिफ्ट और पुलअप्स और रो, ये सब वर्कआउट करता हूँ। जितने पुल वेरिएशन वाले वर्कआउट होते हैं वो मैं मंडे को या ट्यूजडे को करता हूँ, जस्ट बिकॉज सैटरडे को मैंने लेग्स किया था एंड कल यानी संडे को मैं ट्रैक किया था, उसकी वजह से जो मेरी लोअर बॉडी है थोड़ी सी सोरनेस हो गया है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसको एक दो दिन का और रिकवरी टाइम देता हूँ। तो गाइस, जिम जाने से पहले कुछ ज़रूरी सामान होते हैं जो मैं प्रीफर करता हूँ कि वो मेरे साथ ज़रूर हो, और वो जो ज़रूरी सामान है वो है, पहला आपका प्रोटीन शेक। ये मैंने प्रोटीन रख दिया जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पानी, बिकॉज वर्कआउट के बीच में बहुत प्यास लगती है, तो हाइड्रेट रहना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो पानी ज़रूर लेके जाए। तीसरा आपका हेडफोन। मैंने हेडफोन रख दिया। अगर आप हेडफोन यूज़ करते हैं तो यू कैन ड्रिंक योर हेडफोन, बिकॉज बहुत सारे जिम्स में ऐसे होते हैं कि लोग कुछ भी गाना बजा देते हैं, तो वो उस लेवल का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास अपना हेडफोन है तो यू कैन यूज़ योर ओन म्यूज़िक टू कंसंट्रेट योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों की म्यूज़िक टेस्ट अलग होते हैं, कुछ लोग मेटल सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग रॉक गाने सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग पॉप गाने सुनना पसंद करते हैं। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट मुझे लगता है वो है प्री वर्कआउट, बिकॉज प्री वर्कआउट मुझे बहुत हेल्प करता है कंसंट्रेट होने में एंड इंजरी से बचाने में। तो दिस इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं तो प्री वर्कआउट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ब्लैक कॉफ़ी से भी अपना काम चला सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैंने प्री वर्कआउट लिया हुआ है अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको भूल गया था पहनना, बट अगर आपके पास फिटनेस से रिलेटेड कोई भी वॉच है, या तो फिटनेस बैंड है या कोई भी फिटनेस वॉच है, देन दिस इज़ वेरी यूजफुल। आपको आपका जो भी फिटनेस लेवल है उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। तो गाइज, फिटनेस वॉच इज़ ऑल्सो सो कंपल्सरी, नॉट सो कंपल्सरी, इट्स वेरी नेसेसरी। ओके, जिम आ चुका हूँ एंड वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप करूँगा, बिकॉज वार्म अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं वार्म अप करने। हाय बंटी भाई, कैसे हो, क्या कर रहे हो आज वर्कआउट? बटर में दिस इज बेस्ट प्री वर्कआउट। हाँ सर जी, बताओ ना। क्या बंटी भाई, क्या कर रहे हो आज? कौन आज? बैक और बाइसेप करोगे? यस। कितने सेट करोगे? आज बस पूरा फाड़ देना है आज। डेडलिफ्ट करोगे? डेडलिफ्ट आज नहीं करूँगा, कुछ ना करूँगा डेडलिफ्ट, टाइम जाता है बहुत टाइम। आज प्रमोद भाई अपना प्री वर्कआउट देंगे। प्रमोद भाई कुछ बोलो यार। भाई आज तो ना एम का ट्राई कर रहे हैं, एम का प्री वर्कआउट बेटर है। आज का मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ आज भी, तो उसमें तुम आओगे आज ब्लॉग में। ट्राई कर ले। ये कौन सा प्री वर्कआउट है यार, इसमें तो कुछ है नहीं यार। ब्लूबेरी का एम का प्रोडक्ट है, बस ब्लूबेरी दिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो है संग्राम चोंगले वाला ना, संग्राम चोंगले, ठीक है। अच्छा, ये ब्रांड है एम का, ट्राई कर ले, तेरी एनर्जी अच्छी सी टिके रहेगी और वर्कआउट बहुत ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, आज करते हैं।
तो फाइनली वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आज पूल वर्कआउट था। आज मैंने डेडलिफ्ट नहीं किया था बिकॉज आई हैव टू ट्रेन माय लैट्स, तो आज मैंने लैट्स पर फोकस किया था। और वैसे भी कल ट्रैक पे जाने के बाद थकावट इतनी बढ़ गई थी कि आज वर्कआउट करने का मन नहीं हो रहा था। तो जो भी 5-6 बेसिक वर्कआउट थे लैट्स के, वही आज किया। वर्कआउट होने के बाद रिमेंबर कि जो भी आप मील लो उसमें प्रोटीन सोर्स, कार्ब सोर्स और फैट सोर्स जरूर हो, बिकॉज बॉडी की नीड होती है वर्कआउट के बाद प्रोटीन की। जो भी हमारे मसल ब्रेक हुए रहते हैं उसको हील करने के लिए प्रोटीन इज़ द वेरी बेस्ट थिंग। तो यू कैन टेक एनीथिंग, वे प्रोटीन, अंडे, चिकन, चीक पीस, छोले हो गए, राजमा हो गए, तो ये सब फूड ऐसे हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है और ये मसल को रिकवर करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप इतना हैवी क्यों उठाते हो, इंजरी हो जाएगा या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जो हैवी वेट से हो सकता है। तो हैवी वेट उठाने का वो रीज़न नहीं है कि मुझे शो ऑफ करना है या फिर समथिंग लाइक डैट, बिकॉज अभी मैं जो भी वेट उठाता हूँ उसको अचीव करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। अगर जैसा मैंने रिसेंटली डाला था वीडियो 218 kg डेडलिफ्ट का, वो तकरीबन मैं 4-5 बार फेल हुआ था, तब वो वेट जाके 6ठी बार या 7वीं बार, आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं किया था, मतलब 4-5 बार फेल होने के बाद तब वो जाके क्लियर हुआ था। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने बहुत सारे वर्कआउट में वेरिएशन किया था, जैसे कि मैंने लोअर बैक को ट्रेन किया था ज़्यादा एंड लैट्स को नहीं किया था, फिर मैंने चेस्ट को किया था और मिडिल बैक को ज़्यादा ट्रेन किया था। साथ में ही मैंने लेग्स को भी ट्रेन किया था, ताकि डेडलिफ्ट में क्या होता है कि जब आप हैवी वेट उठाते हो तो उसमें सारे बॉडी के पार्ट्स यूज़ होते हैं। मेजर आपका बैक हो जाता है और लेग्स हो जाता है, ये मेजर होते हैं। उसके साथ साथ आपके ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर्स, थाई, काब्स, सारे मसल यूज़ होते हैं। तो जो मेरी ट्रेनिंग थी वो काफ़ी इंटेंस थी पिछले 2-2.5 महीने से, और स्ट्रेंथ में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो देखते हैं आगे का क्या होता है आगे। और आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में एक बार पार्टिसिपेट करूं, बिकॉज आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन एक बार मेरा मन है पार्टिसिपेट करने का, तो आई विल ट्राई ट्राई करूँगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा प्रोटीन लेते हैं और आप कौन से जिम में जाते हैं, और अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं तो आपने क्या सोचा है, क्योंकि दिसंबर में बहुत सारी शादियां आ रही हैं, आप बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पतला होने का सोच रहे होंगे। तो गाइज़ मैं तो चाहता हूँ कि सब पतले हो जाएँ, सब फिट हो जाएँ, बट उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।